जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक मिनी सीरीज के बारे में, जिसका नाम है इंडियन प्रीडेटर द बीस्ट ऑफ बैंगलोर। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें बैंगलोर शहर से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्गा नाम की जगह दिखाई जाती है, जहां हमें डीएसपी अंजन्या दिखाए जाते हैं, जो कि दिव्या नाम की एक गवर्नमेंट वर्कर के बारे में बता रहे थे, जो कि बस से उतर के अपने गाँव की तरफ जा रही होती है। और उसका गाँव बस स्टॉप से करीब 1 घंटे की दूरी पे था। जब वो एक कच्चे रास्ते पहुंचती है तो अचानक वहाँ पे एक अनजान आदमी आ जाता है और उस पे हमला कर देता है। वो दिव्या के गहने और उसके पहने हुए कपड़े सब कुछ छीन कर वहाँ से भाग जाता है। गांव के रहने वाले लोगों को जब ये पता चलता है तो वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं और उस लोकेशन पर डीएसपी तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। और तभी वो देखते हैं कि दिव्या रास्ते पर निवस्त्र होकर बैठी हुई है। वो देखते हैं कि दिव्या के नाक और कान से बहुत सारा खून निकल रहा है, जिसे वो समझ जाते हैं कि जरूर उस चोर ने जबरदस्ती उसके गहने चुराए होंगे। दोस्तों, दिव्या इस हादसे से इतना डर गई थी कि आगे वो उस अनजान आदमी पे केस भी नहीं करती। अब जर्नलिस्ट मंजुनाथ हमें एक केस के बारे में बताते हैं, जहाँ पे 6 दिसंबर को पल्लवी नाम की एक माइनर लड़की के साथ हादसा हुआ था। पल्लवी 6 दिसंबर की रात को गेहूं पिसवाकर घर लौट रही थी और बीच में वो उसी रास्ते से गायब हो गई थी। जब पल्लवी देर तक घर नहीं लौटी थी तो उसके माता पिता को उसकी चिंता होने लगी थी और उन लोगों ने गाँव वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया था, पर पल्लवी उन्हें कहीं पे भी नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। आगे पुलिस कमिश्नर अजप्पा हमें बताते हैं कि पल्लवी की रिपोर्ट आते ही उन्होंने उस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था और उस एरिया की एक खाली जगह पर उन्हें पल्लवी की लाश मिली थी, जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस को डेड बॉडी देखने पर यही लग रहा था कि शायद उस लड़की के साथ कुछ जबरदस्ती हुआ है, जिसके बाद उसका गला दबाया गया होगा और उसकी जान चली गई होगी। आगे अजप्पा हमें ये भी बताते हैं कि उस वक्त ठंड का मौसम होने की वजह से पल्लवी की बॉडी मरने के 2 दिन बाद भी सड़ी नहीं थी और इसलिए पुलिस को आसानी से वो बहुत सारे सबूत मिल गए थे, जिससे कि वो उन लोगों तक पहुंच सकते थे जिन्होंने ये काम किया था। इसी के साथ पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि असल में पल्लवी का किसी और जगह पे ही शोषण हुआ था और पल्लवी को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को खाली जगह पर फेंक दिया गया था। उसके बाद पल्लवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और डॉक्टर बताते हैं कि पल्लवी की मौत असल में दम घुटने की वजह से हुई थी और उसका शोषण भी किया गया था। ये खबर अगले ही दिन न्यूज़पेपर में छाप दी गई थी और लोगों में इसको लेकर बहुत ही दहशत फैल गई थी और लोग ये सोचने लगे थे कि कोई माइनर लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। चित्रदुर्गा में इससे पहले कोई भी ऐसी खबर नहीं आई थी और वो शहर काफी शांत शहर हुआ करता था। उसके बाद अजप्पा हमें बताते हैं कि पल्लवी अपने पैरों में पायल भी पहना करती थी, जो कि उस हादसे में ही चुरा लिया गया था, और सेम वैसे ही पायल पल्लवी के बहन के पैरों में भी थे, जिसकी मदद से पुलिस उन लोगों का पता लगा सकती थी जिन्होंने ऐसा किया था। अजप्पा ने तुरंत अपने ऑफिसर्स की अलग अलग टीम बनाई और उन्हें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए पूरे शहर में लगा दिया। पुलिस ने उस एरिया के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि वहां पे अक्सर लूटपाट मचाया करते थे, पर उन लोगों से भी पुलिस को कोई भी स्ट्रांग सबूत नहीं मिला कि आखिर ये किसने किया होगा, जिसकी वजह से सारे लोग पुलिस वालों के ऊपर ही सवाल उठाना शुरू हो गए। पर उन्हीं दिनों में अचानक पुलिस के पास एक अनजान लेटर आया, जिसमें पल्लवी के मर्डर केस के बारे में लिखा गया था कि पल्लवी के शोषण और मर्डर में उसी शहर के कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर के बेटों का हाथ था। और ये लेटर पढ़ते ही पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की, पर फिर भी उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला और इसकी वजह से पुलिस कमिश्नर अजप्पा का ट्रांसफर भी हो गया। उसके बाद पल्लवी मर्डर केस सीआईडी के पास चला गया। अब आगे सीआईडी ऑफिसर अजप्पा हमें बताते हैं कि उस वक्त चित्रदुर्गा में उनकी ड्यूटी होने की वजह से ये केस उन्हें दे दिया गया था, जहां सबसे पहले अजप्पा ने उस अनजान लेटर को साइड में रख दिया और उसके अलावा कुछ और भी सबूत ढूंढना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि पल्लवी के साथ जहां पे हादसा हुआ था उसी इलाके में 2 दिन पहले किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उस लड़की का नाम था गीता, जो कि पल्लवी की तरह ही एक माइनर लड़की थी। रजप्पा हमें बताते हैं कि गीता अपने पिता के साथ काम करके घर लौट रही थी और उसका पिता दवाई लेने के लिए केमिस्ट पर ही रुक गया था। जब गीता उस रास्ते पे पहुंची तो कैप पहना एक आदमी उसका पीछा करने लगा और जब गीता को ये बात पता चला तो वहां से भागने लगी, पर उस आदमी ने गीता के बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर गिरा दिया, जहां हाथापाई में गीता ने उस आदमी की कैप उतार दी और उसे देखा कि उस आदमी के बाल एक पुलिसमैन की तरह कटे हुए थे। वो आदमी गीता को मारने के लिए उसका गला दबाने लगा, लेकिन तभी गीता का पिता वहां पर आ गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। गीता के पिता ने उससे पूछा कि आखिर वो बंदा कैसा दिखता था, तो उसने बताया कि वो एक पुलिसमैन की तरह दिख रहा था। उसके बाद रजप्पा गीता से पूछताछ करने लगते हैं, जहां गीता ने उन्हें बताया कि उस आदमी को उसने एक और बार देखा था। उस दिन रिपब्लिक डे था और वो परेड देखने के लिए ग्राउंड में गई थी और वो आदमी पुलिसमैन की एक परेड में ट्रेनी था, जिसे गीता ने दूर से ही देखकर पहचान लिया था, पर वो उस वक्त उस आदमी को कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि वहां पे बहुत सारी पब्लिक थी और गीता को यकीन हो गया था कि वो आदमी एक पुलिसमैन ही है। रजप्पा
ने जब गीता के ये सारे बयान सुने तो उसने एक प्लान बनाया। उसने उस परेड में मौजूद 4 ट्रेनी कांस्टेबल्स को काम करवाने के लिए अपने गेस्ट हाउस में बुला लिया और उन सबको ही गेस्ट हाउस के बाहर साफ सफाई करने का काम दे दिया। उन सबको गीता अंदर खिड़की से देख रही थी और उन 4 ट्रेनी में से 3 ट्रेनी ही वहां काम करने आए थे, जिन्हें देखकर गीता ने पुलिस को बताया कि वो आदमी ट्रेनी में से कोई भी नहीं है। पर तभी चौथा ट्रेनी भी वहां पे अपना साइकिल लेकर आ गया, जिसकी शक्ल देखते ही गीता बहुत ज्यादा डर गई और उसकी जबान से कुछ निकल भी नहीं रहा था। दोस्तों, वही आदमी था जिसने उस दिन उसे पकड़ा था और उस आदमी का नाम था उमेश रेड्डी और वो उस वक्त कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहा था। अब उमेश रेड्डी के बैचमेट से हम ये जान पाते हैं कि ट्रेनिंग के वक्त उमेश रेड्डी सभी लोगों से अच्छे से पेश आता था, लेकिन वो हमेशा ही अलग रहना पसंद किया करता था। वो ट्रेनिंग में बाकी लोगों से काफी ज्यादा बढ़िया था क्योंकि वो CRPF की ट्रेनिंग भी ले चुका था। आगे हमें उमेश रेड्डी के बारे में ये पता चलता है कि CRPF में ट्रेनिंग लेने के बाद उसे कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी और वहां से उसे कमांडेंट के घर होमगार्ड की नौकरी मिली थी। पर उन्हीं दिनों में उसने कमांडेंट की बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी थी और ऐसा करने की वजह से वो वहां से भाग निकला था और उसके बाद वो चित्रदुर्गा आया और वहां पर आकर पुलिस की ट्रेनिंग लेने लगा। पुलिस की ट्रेनिंग शाम के 6 बजे खत्म हो जाती थी और सारे ट्रेनिंग की गिनती 8 बजे हुआ करती थी, पर इसके बीच 2 घंटे में उमेश रेड्डी कहां जाता था, क्या करता था, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। उसी तरह पल्लवी के मर्डर की रात भी वो पुलिस कैंप से ही गायब था और वो कहां गया था किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। पर जब वो वापस कैंप से लौटा तो उसके बैचमेट्स ने उसकी आंख के आसपास एक छोटा सा निशान देखा और जब उन्होंने उससे इस बारे में पूछा तो उमेश ने सबको ये बताया कि वो चोट उसे कैंप में ही लगी है टेबल उठाते वक्त और उमेश वहां पे सबसे अच्छे से पेश आता था, इसीलिए उन्हें लगा कि शायद वो सच बोल रहा है। अब गीता ने उमेश को पहचान लिया था और पुलिस ने पुलिस स्टेशन में गीता और उमेश को आमने सामने किया, जहां गीता ने पुलिस को यही बोला कि उमेश ही वो आदमी है जिसने उस रात गीता पर हमला किया था। पर इस बात पर उमेश ने पुलिस को झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उमेश से गुस्सा होने की वजह से वो ऐसा कर रही है, लेकिन उसका ये झूठ पकड़ा गया क्योंकि पुलिस ने उससे गीता का नाम पूछा और वो उसका नाम नहीं बता पाया। जिसके बाद पुलिस को ये लगने लगा कि शायद पल्लवी मर्डर केस में भी वो शामिल है। वो लोग पल्लवी के चुराए हुए पायल ढूंढने लग गए और वो उमेश के घर पहुंच गए वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पर जब पुलिस उमेश के रूम में गई तो वहां पे कमरे के अंदर वो देखकर शॉक रह गए। जब पुलिस ने उसे कमरे को चेक किया तो वहां पे उसे एक एयर बैग मिला और उसके अंदर उन्हें लड़कियों के और औरतों के कई सारे अंडर गार्मेंट्स पड़े हुए मिले। और जब पुलिस ने उमेश के बैचमेट से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उमेश वो अंडर गार्मेंट रात को पहन के सोया करता था, यानी कि वो थोड़ा साइको था जिसका बिहेवियर समझ में नहीं आता था। इसके बाद हमें उमेश के बारे में दिखाया जाता है कि उसका जन्म May 1973 में चित्रदुर्गा के पास एक गांव में हुआ था और बचपन से ही उमेश का परिवार बहुत गरीब था और उसका बिहेवियर दूसरे बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग था। उमेश स्कूल में भी चोरी किया करता था और खासकर वो लड़कियों के पेंसिल चुराया करता था, यानी कि उसे लड़कियों को परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता था और इन सब चीजों में उमेश का पिता भी उसका साथ दिया करता था, जिसकी वजह से उमेश ने बड़ा होकर बड़ी चोरियां करनी शुरू कर दी। और जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो उमेश वो गांव छोड़कर भाग गया। उसके 10 साल बाद वो ट्रेनिंग में पुलिस के हाथों पकड़ा गया, पर पुलिस को पल्लवी की पायल उमेश के कमरे से नहीं मिल पाई थी और सबूत ना मिलने की वजह से उमेश को 3 दिन में ही बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद उमेश चित्रदुर्गा छोड़कर भाग गया और उसके बाद वो सीधा बैंगलोर पहुंचा और वहां अनजान बनकर रहने लगा। फिर 24 जून 1997 को बैंगलोर पुलिस के DSP को एक कॉल आया और उन्हें पता चला कि पासी के गांव में कुछ लोगों ने एक आदमी को पकड़ रखा है जो कि चोरी करने की कोशिश कर रहा था। ये खबर सुनकर पुलिस भी वहां से जल्दी से पहुंची और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उमेश था, जो कि पुलिस के सामने झूठ बोल देता है कि वो यहां पे आंध्र प्रदेश में रहने आया है और उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी पुलिस को उस पर शक था तो वो उमेश को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई। जब पुलिस वालों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने वहां पे अपना झूठा नाम राजू बताया, पर पुलिस फिर भी उसे नहीं छोड़ती और उसके घर की तलाशी लेती है, जहां उन्हें सोने और चांदी का बहुत सारा सामान मिलता है और उसके साथ ही उन्हें वहां पे लेडीज के अंडर गार्मेंट भी मिल जाते हैं। जिसके बारे में पूछने पर उमेश ने पुलिस को बताया कि उसने ये सारे कपड़े किसी दूसरे घर से चुराए हैं। उमेश अब पकड़ा गया था और वो सारे क्राइम्स को कन्फेस कर लेता है, जिसमें से एक केस था वीना नाम की औरत का और उसके साथ उमेश ने कुछ ऐसा ही किया था। उसने वीना के घर में घुसकर उसका शोषण किया था और घर से कुछ भी नहीं चुराया था, पर फिर भी वीना ने ये बात पुलिस को बाहर लाने से मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड फैमिली से थी। उसके बाद उमेश का एक और क्राइम सामने आया और वो क्राइम उसने पिनिया गांव में किया था, जहां पुलिस ऑफिसर संध्या नाम की एक औरत को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आए और जब संध्या ने उमेश को देखा तो वो उसे बहुत आसानी से पहचान गई क्योंकि उमेश ही वो आदमी था जो कि एड्रेस पूछने के बहाने उसके घर में घुस गया था और साइकिल की चेन से उसका गला दबाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और फिर उमेश ने उसका भी शोषण किया। ये सारे केस सुनकर पुलिस को आगे और भी इन्वेस्टिगेशन बढ़ानी पड़ती है और उमेश को वो अपने साथ एक एक क्राइम सीन पर लेकर जाने लगे। रास्ते में उमेश टॉयलेट करने के बहाने पुलिस की गाड़ी से उतरा और उसके हाथों में चेन बंधी हुई थी, पर फिर भी उसने पुलिस को चकमा दे दिया और वो चेन के साथ ही वहां से भाग निकला। पुलिस ने उसे बहुत जगह ढूंढा लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाई और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हार थी। कुछ दिनों बाद चित्रदुर्गा पुलिस स्टेशन से बैंगलोर पुलिस स्टेशन में एक पैम्फलेट भेजा गया जिस पर उमेश वांटेड लिखा हुआ था और वो देखकर DSP बहुत ज्यादा शॉक रह गए क्योंकि जिसे वो अब तक रजुल्लू समझ रहे थे
उसका असल नाम उमेश रेड्डी था और उसने पहले भी औरतों और लड़कियों के साथ ऐसा क्राइम किया था। वही हम दूसरी तरफ जान पाते हैं कि उमेश पुलिस स्टेशन से भाग निकला था, लेकिन 6 महीने पहले से ही उस पे पल्लवी मर्डर केस और गीता के ऊपर जो क्राइम किया था उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जहां पुलिस को पता चलता है कि दिव्या पल्लवी और गीता के साथ जो क्राइम करने वाला था वो एक ही इंसान था जिसका नाम था उमेश रेड्डी। हर एक क्राइम में एक कॉमन चीज थी, वो लड़की को पीछे से पकड़ता था और उसके बाद वो उनका मुंह दबाना शुरू कर देता था। ये जानकर पुलिस ने आई की इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि बैंगलोर में क्राइम करने के बाद उमेश भागकर अपने गांव वापस गया था जहाँ उसकी माँ रहा करती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि गांव में वो बहुत ही कम आता जाता है तो अभी लोग उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके उसके घर से ही उसे पकड़ लिया और अब उन्होंने उमेश पर बहुत ही सख्ती दिखाई, जिससे कि उमेश ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया कि सारे क्राइम उसी ने किए हैं। उसने सबसे पहले बस स्टॉप पर दिव्या के साथ शोषण किया था और उसके गहने भी उसी ने चुराए थे और उसने गीता और पल्लवी के साथ भी वो सब किया था। अब पुलिस सिर्फ उसके बयान पर ही उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकती थी और इसी सबूत के लिए उन्होंने उमेश से उन गहनों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उमेश ने उन्हें बताया कि वो सारे गहने उसने अपने घर के बाहर बरामदे में दबाए हुए हैं और इस सुनते ही पुलिस की टीम वहां पे पहुंची और वो गहनों को ढूंढ निकाला। उसके बाद उमेश पर पल्लवी के मर्डर के लिए केस फाइल किया गया, जहां पुलिस को यह भी पता चला कि पल्लवी के मर्डर के बाद प्रोटेस्ट होने लगे थे और उस प्रोटेस्ट को संभालने के लिए वहां पे उमेश की भी ड्यूटी लगाई गई थी, यानी कि वो सभी लोगों के बीच में था और उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। अब केस फाइल होने के बाद उमेश रेड्डी की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर चेंज कर दिए गए, जिसकी वजह से उमेश का बयान भी बदल गया और उसने बताया कि पल्लवी के साथ जो क्राइम हुआ था वो उसने अकेले नहीं किया था बल्कि उसमें उसके कुछ और दोस्त भी शामिल थे और वो उन लोगों के साथ उस रात कार में था और वो रास्ते से रहा था, जहां उन्होंने पल्लवी को जाते हुए देखा और उमेश के दोस्तों ने उसे पल्लवी को किडनैप करने के लिए कहा, लेकिन उमेश ने उनका साथ नहीं दिया तो उन लोगों ने उसे कार से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उसकी आंख पर चोट भी आ गई थी। उसके इस बयान की वजह से पुलिस ने कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया और कोर्ट में यही साबित हुआ कि वो काम उसने अकेले नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को ये यकीन था कि उमेश ने ये काम अकेले ही किया है, क्योंकि वो एक साइकोपैथ है और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के उसका साथ आखिर क्यों देंगे। उमेश ने ऐसे ही क्राइम पहले भी कर रखे थे। उसके बाद उमेश और उन सभी लड़कों को जेल भेज दिया गया, जहाँ पे उमेश ने बहाना बनाया कि उसकी टांग में फ्रैक्चर है तो उसके पैरों में पुलिस ने जंजीर नहीं पहनाई। जब वो लोग वहाँ से जाने लगे तो रास्ते में उमेश ने टॉयलेट करने का बहाना बनाया और एक पुलिस वाले को लेकर वो नीचे उतरा। उमेश ने फिर से वही पैतरा लगाया और उनको चकमा देकर वो वहां से भाग निकला। पुलिस उसे ढूंढती रही लेकिन वो फिर से उनके हाथ नहीं लग पाया और वो बैंगलोर छोड़कर वहां से भाग निकला। फिर 1998 में करीब एक साल बाद वो वापस से बैंगलोर आया और वापस से वो पेनिया इलाके में ही गया, जहां उसने अपना पहला क्राइम किया था। फिर हमें सुरेश नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि हमें बताता है कि बचपन में जब वो बाहर से खेलकर घर लौटा और दरवाजा खटखटाने लगा तो उसकी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। इसी वजह से उसने बहुत देर इंतजार किया और वो वापस से खटखटाने लगा। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई जिससे उसके घर के अंदर का दरवाजा खुल गया, पर सामने उसकी माँ नहीं थी बल्कि एक आदमी था जो कि असल में उमेश था। वो सुरेश को घर के अंदर लेकर गया और वहाँ सुरेश ने अपनी माँ को जमीन पर गिरा हुआ देखा, जिसमें बहुत सारे कपड़े गिरे हुए थे और उसका खून बह रहा था। पर ये सब देखकर सुरेश कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटा था। उमेश ने उसे हंसते हुए बहुत ही आराम से समझाया कि उसकी माँ उसकी एक दोस्त है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर थोड़ी देर में उमेश वहाँ से भाग निकला और उसके जाने के बाद सुरेश के पड़ोसियों ने पुलिस को तुरंत इत्तला किया, जिसके बाद पुलिस वहां पर आई और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद पुलिस को एक अनजान कॉल आया और उन्हें पता चला कि नित्या नाम की एक प्रेग्नेंट औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पर नित्या ने हिम्मत दिखाई और उस आदमी पर कुकर से हमला कर दिया और घर से बाहर निकलकर वो चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से वहां पे लोग आ गए और उस आदमी को पकड़ लिया गया। उन्होंने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस वहां पे पहुंच गई और उस आदमी को देखकर पुलिस समझ गई कि वो कोई और नहीं बल्कि उमेश है, जो कि उनके हाथों से कुछ साल पहले भाग निकला था। अब सुरेश की माँ के मर्डर केस में पुलिस को फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे और जब उन्होंने उमेश के फिंगरप्रिंट से उसे मिलाया तो वो मैच हो गए, जिससे ये बात पक्की हो गई कि उसी ने उसकी माँ को मारा है। पुलिस ने जब उमेश से उसके क्राइम्स के बारे में पूछा तो उसने कन्फेस करना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि सुरेश की माँ के कत्ल करने से पहले उसने कई औरतों के साथ ऐसा किया है। दोस्तों, उमेश बहुत ही ज्यादा शातिर क्रिमिनल था, जो ही क्राइम करते ही उस लोकेशन से गायब हो जाता था, क्योंकि उसे पता था कि औरतें उससे इतना डर जाती थी कि वो वहां पे कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब उमेश के सारे कन्फेशन के बाद 2002 में ट्रायल के लिए उसे बैंगलोर कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसे बरेली जेल में भेज दिया गया। पर हर बार की तरह इस बार भी उसने टॉयलेट का बहाना बनाया और जब पुलिस वाले उसे वहां पे ले गए तो वो वहां से भाग निकला। दोस्तों, 5वीं बार था जब उमेश पुलिस के हाथों भाग निकला था
और पुलिस भी इसमें कुछ भी नहीं कर पाती थी। व्योमेश बहुत ही चलाकी से उन्हें चकमा देकर भाग जाया करता था। जब ये बात मीडिया में पहुंची तो बहुत सारे न्यूज चैनल की मदद से उमेश के बारे में पूरे बैंगलोर को पता चल गया और लोग उससे बहुत ज्यादा डरने लगे। 17 मई 2002 की सुबह जब पुलिस कमिश्नर अपने ड्यूटी पर थे तब एक आदमी उनके पास आया और उन्हें बताया कि उमेश रेड्डी पासी की एक दुकान में बाल कटवा रहा है और उसने उमेश को इसीलिए पहचाना क्योंकि उसने उमेश की फोटो अखबार में देखी थी। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उमेश रेड्डी वहां से निकल चुका था, पर फिर भी वो लोग उमेश को रेलवे ट्रैक की तरफ जाते हुए देख लेते हैं और उसे पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं। वो देखते हैं कि उमेश रेड्डी ने अपना भेष पूरी तरह से बदला हुआ है और पुलिस को बार बार यही कह रहा होता है कि वो उमेश रेड्डी नहीं है। तभी वहां पे पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जो कि उमेश के केस में काम कर रहा था और वो उसे देखते ही पहचान लेता है कि यही उमेश रेड्डी है। उमेश को पकड़ने के बाद उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब उन्होंने उसे कपड़े उतरवाए तो देखा कि उसने लेडीज गारमेंट पहने हुए हैं, यानी कि वो औरतों को लेकर कुछ ज्यादा ही साइकोपैथ था। पर जब भी कोई पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करने की कोशिश करता तो उमेश रेड्डी बच्चों जैसा रोने लग जाता था ताकि वो साबित कर सके कि वो मानसिक रूप से बहुत ही बीमार है और इस वजह से उसकी सजा कम हो सके। उसके बाद उमेश के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होने लगे जहाँ ठोस सबूत ना मिलने के कारण उसे दिव्या और वीना के केस में इनोसेंट माना गया, जिसके बाद गीता के केस में भी उमेश को इनोसेंट माना गया क्योंकि जज का यही मानना था कि उमेश ने सिर्फ शोषण करने की कोशिश करी है पर वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे उमेश इनोसेंट साबित होते जा रहा था क्योंकि उसकी जो विक्टिम्स थी वो कोर्ट में बयान देना नहीं चाहती थी क्योंकि वो लोग काफी डरी हुई थी और उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए थे। इसके बाद भी कुछ पुलिस ऑफिसर के अच्छे कामों की वजह से नित्या और संध्या केस में उमेश को 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद सुरेश को दुर्गप्पा नाम के एक ऑफिसर ने अडॉप्ट कर लिया और एक दिन सुरेश को पुलिस स्टेशन लाया गया जहां उसने चोरी का सामान देखकर पहचान लिया कि उसके घर का सामान कौन सा है। और जब उमेश को सुरेश के सामने लाया गया तो सुरेश ने उसे एक झटके में पहचान लिया कि वो उमेश ही था जिसने उसकी माँ को मार डाला था और यही केस था जिसकी वजह से उमेश को मौत की सजा सुनाई गई थी। पर इसके बाद भी उमेश के परिवार वाले उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और उनका मानना था कि उमेश को इस केस में फंसाया गया है। इसके बावजूद ही उमेश के ऊपर बिल्कुल भी सजा कम नहीं की गई और सुरेश को अडॉप्शन सेंटर भेज दिया गया जहां उसे एक नई फैमिली मिल गई। पर अब सुरेश बड़ा हो गया है लेकिन वो कुछ भी भूल नहीं पाया है और वो चाहता है कि उसकी माँ के साथ जो भी हुआ उमेश को उसकी सजा मिलनी चाहिए। पल्लवी के केस को भी 25 साल गुजर चुके थे और आज भी ये पता नहीं लग पाया था कि उसके साथ वो किसने किया था। अब उमेश रेड्डी को डेथ सेंटेंस के बजाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और आज तक वो जेल में ही बंद है और इसी के साथ ही सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।